हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। सेंटेंस स्ट्रक्चर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आप सीखेंगे कि इंस्टेड ऑफ को अपने इंग्लिश में आप किस तरह से यूज करें। सो लेट स्टार्ट। तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने कॉफी के बजाय चाय पी। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे आप सोचिए। ओके, सो मैंने कॉफी के बजाय चाय पी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेड ऑफ कॉफी आई हैड टी। ऑलराइट, तो यहां पे लिखा है कॉफी के बजाय और यहां पे लिखा है इंस्टेड ऑफ कॉफी। तो जो यहां पे के बजाय है इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेड ऑफ, यानी उसकी जगह पे कुछ और। सो दैट इज इंस्टेड ऑफ। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे ये जो सेंटेंसेस हैं ये दो हिस्सों में होते हैं। एक हिस्से में आपको इंस्टेड ऑफ मिलेगा और एक दूसरा हिस्सा होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस यहां पे लेते हैं, आई रेड अ बुक इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी। तो मैंने फिल्म देखने के बजाय बुक पढ़ी। ओके, तो फिल्म देखने के बजाय मैंने किताब पढ़ी। तो आप यहां पे, अब यहां पे थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे लिखा है इंस्टेड ऑफ कॉफी, यहां पे लिखा है इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी। तो इससे हम क्या समझते हैं कि इंस्टेड ऑफ के बाद या तो नाउन यूज होगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो इंस्टेड ऑफ है यह पहले भी यूज हो सकता है और बाद में भी यूज हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इंस्टेड ऑफ कॉफी आई हैड टी को आप कैसे लिख सकते हो, आई हैड टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। तो आप इनको चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इंस्टेड से शुरू कर रहे हैं सेंटेंस तो आपको कॉमा लगाना जरूरी है। लेकिन अगर इंस्टेड बाद में आया तो वहां पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर समझिए। तो सबसे पहले तो इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग है इन प्लेस ऑफ, यानी उसकी जगह पे, रादर देन, यानी आपने एक चीज पे दूसरी चीज को वरीयता दी, उसको प्रेफरेंस दिया। ठीक है, और एज एन ऑल्टरनेटिव टू, यानी एक चीज का की जगह पे दूसरा चीज आपने लिया। ठीक है, एक विकल्प के तौर पे आपने लिया। तो जब भी आप एक चीज की जगह पे दूसरी चीज को यूज करते हैं, ठीक है, दूसरा काम करते हैं, तो उसमें आप इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे आप ये स्ट्रक्चर देखिए, इंस्टेड ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म और नाउन, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि इंस्टेड ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और नाउन का यूज होता है। और फिर हमारे पास दूसरा पार्ट होता है जिसमें प्रॉपर सब्जेक्ट और ये सब होते हैं, और या फिर आप इस हिस्से को पहले भी लेके आ सकते हैं, इस हिस्से को बाद में भी लेके जा सकते हैं, जो कि हमारे पास ये दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है, ऑलराइट, तो इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इसको और बेहतर तरह से समझते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए, आई ऑर्डर्ड पिज्जा इंस्टेड ऑफ चाइनीज फूड। तो मैंने चाइनीज फूड की जगह पे पिज्जा मंगाया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ वेडिंग शी स्टडीड एट होम। शादी में जाने के बजाय उसने घर पे पढ़ाई की। तो आप देख सकते हैं यहां पे है इंस्टेड ऑफ और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। ऑलराइट, तो आप अगेन इन सेंटेंस को नोटिस करो। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ के बाद है चाइनीज फूड, यानी यहां पे वर्ब नहीं है, सीधे नाउन है। ठीक है, लेकिन जब भी वर्ब लगेगी तो आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। हम इंस्टेड में वर्ब की आईएनजी फॉर्म तभी यूज करते हैं जब हम डिफरेंट वर्ब्स यूज करते हैं, यानी दो अलग अलग एक्टिविटीज की बात कर की जा रही है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप इसको बेस्ट समझ पाएंगे। यहां पे देखो, यहां पे दो अलग अलग एक्टिविटीज की बात की जा रही है इस सेंटेंस में। सो यहां पे दो वर्ब्स यूज हो रही है, एक है प्लेड और दूसरी वर्ब है गो। ओके, तो यहां पे इसीलिए इंस्टेड ऑफ के बाद में गोइंग यूज हुआ है। आप बिना गोइंग के सेंटेंस को बना ही नहीं सकते हैं। आई मीन, आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि आई प्लेड क्रिकेट इंस्टेड ऑफ सिनेमा, आपको गोइंग बोलना ही पड़ेगा। तो यहां पे दो अलग अलग वर्ब्स जब यूज होती हैं तो वर्ब का लगना जरूरी है, दैट इज कंपल्सरी। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि सेम वर्ब यूज होगी, एक ही तरह की वर्ब यूज होगी, तो आप वर्ब लगाना स्किप भी कर सकते हैं। कैसे, तो आप ये सेंटेंस देखिए, यहां पे क्या लिखा है, आई प्ले क्रिकेट इंस्टेड ऑफ फुटबॉल। तो आप यहां पे क्या लिख सकते थे, आप यहां पे लिख सकते थे
आई प्लेड क्रिकेट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पे आप प्लेइंग भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहां पे सेम वर्ब यूज हो रही है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसीलिए आप इस वर्ब को हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं और सीधा लिख सकते हैं आई प्लेड क्रिकेट इंस्टेड ऑफ फुटबॉल। इज इट क्लियर टू यू? आई रिपीट, जब आप दो अलग अलग वर्ब्स की बात करेंगे तो इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगना जरूरी है इंस्टेड में, और जब सेम वर्ब यूज होती है तो आप उसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हटा सकते हैं, सीधे यहां पे ऑब्जेक्ट लग जाएगा या जो हमारे पास नाउन है वो यूज होगा। ओके, लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। आप इन सेंटेंसेस को स्टडी कीजिए। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज आई लिसन टू सॉन्ग्स। तो देखो इसमें कितने सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। देखिए पहली बात, यहाँ पे दो अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल है, यहाँ पे लिसन है, यहाँ पे वॉच है, तो वॉच में आईएनजी फॉर्म लगा है, दो वर्ब है, मैंने कहा था दो अलग अलग वर्ब्स होते हैं आईएनजी फॉर्म लगती है, तो इंस्टेड ऑफ में आईएनजी फॉर्म लगी, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज आई लिसन टू सॉन्ग्स। और दूसरी बात, यहाँ पे वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म लगा है, और इंस्टेड ऑफ का पहले यूज किया है, आप यहाँ पे कॉमा लगेगा। ओके, आप चाहो तो इसको बाद में भी यूज कर सकते हो, आई लिसन टू सॉन्ग्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज। और आप इस सेंटेंस को देखिए, यहां पे मैं एक्शन फिल्में देखने के बजाय कॉमेडी फिल्में देखता हूं, सो इंस्टेड ऑफ एक्शन मूवीज आई वॉच कॉमेडी मूवीज। तो यहां पे आपको पता है कि एक्शन फिल्में भी आप देखते ही हैं, तो यहां पे भी सेम वर्ब है, वॉच ही है, और यहां पे भी वॉच है, तो अगर आप चाहते तो यहां पे वॉचिंग यूज कर सकते थे, तो सेंटेंस बन जाता इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एक्शन मूवीज आई वॉच कॉमेडी मूवीज। ऑलराइट, लेकिन आप बिकॉज वर्ब सेम है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो अब सेंटेंस क्या बनेगा, इंस्टेड ऑफ एक्शन मूवीज आई वॉच कॉमेडी मूवीज। ऑलराइट, लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन। तो यहां पे स्पेंडिंग अलग वर्ब है और यूजिंग अलग वर्ब है, तो इसमें आईएनजी का यूज हुआ है, सो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने के बजाय मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करता हूँ। सो आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन। ऑलराइट, नेक्स्ट, आई लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स इंस्टेड ऑफ इंडोर गेम्स। तो यहाँ पे इंडोर गेम्स के बजाय मुझे आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है। तो यहाँ पे आपको पता है कि दोबारा भी वर्ब आपको प्ले ही यूज करना था तो आपने हटा दिया वो, सो आई लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स इंस्टेड ऑफ इंडोर गेम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स इंस्टेड ऑफ साइंस। तो मैंने कॉमर्स ली साइंस की जगह पे। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक फाइनली आप एक और चीज सीखेंगे कि हम इंस्टेड ऑफ की जगह पे इंस्टेड भी यूज कर सकते हैं, कैसे, फीलिंग सेम है मीनिंग सेम है, यानी एक चीज के बजाय आपने दूसरा काम किया है। तो इस सेंटेंस को देखो, आई डिडंट ईट आउट, इंस्टेड आई कुक्ड एट होम। ओके, आप इसको चेंज करके इंस्टेड को बाद में भी यूज कर सकते हैं, सो आई डिडंट ईट आउट, मैंने बाहर नहीं खाया, मैंने घर में ही खाना बनाया, सो आई कुक्ड एट होम इंस्टेड। और अगर आपको इकट्ठा करके बोलना है तो ये तो आप जानते ही हैं, इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउट I cooked at home. Alright. So, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप इंस्टेड ऑफ का यूज अपनी इंग्लिश में जरूर करना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी चीजें सीखते हैं उसको आप अप्लाई जरूर कीजिए, तभी आपके माइंड में वो टिका रहेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। ऑलराइट, और इस वीडियो में इससे पहले मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग ये वीडियोज बने हैं, तो आप इसको भी अपने इंग्लिश में यूज करके अपने इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, और मैं आगे भी आपके लिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर लेके आऊंगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं। एंड आई विल बैक सून, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।